ढल राम कुमार वहाँ ड्रग पार्क को लेके ड्रामेबाजी और चंद लोगों के लिए चंद लोगों को साथ लेकर नाटकबाजी कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ राम कुमार जी से, कहाँ है नोटिफिकेशन ड्रग पार्क की? और अगर मुकेश अग्निहोत्री ने फूड पार्क खुलवाया है तो पूरे दम से खुलवाया है। आपकी तरह ये शोशेबाजी ड्रग पार्क पे लोगों को गुमराह करके या नौजवानों को गुमराह करके ड्रग पार्क को लेकर उछल कूद रहे हैं आप चौक पर। आप कह रहे हैं विकास की बात, 33 स्कूल मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा में अपग्रेड किए हैं, 3 कॉलेज, 2 ITI, 1 IIIT हरोली विधानसभा को दिए, सेंट्रल स्कूल मुकेश अग्निहोत्री जी ने हरोली विधानसभा को दिए हैं। मुकेश अग्निहोत्री के बनाए हुए भवन इमारतें कोविड की लड़ाई हरोली में वहाँ लड़ी गई, जिले उन्होंने की वहाँ लड़ाई लड़ी गई कोविड की, और हिमाचल प्रदेश की जो लड़ाई है कोरोना में वो पूरी हरोली विधानसभा में लड़ी गई उन भवनों में। आपने तो एक भवन नहीं बनाया, आपने तो हरोली कॉलेज तक नहीं बनाया जिसमें आपकी भाभी लगी हुई थी, वहाँ ही 4 एक्टर लगा देते आप। और ही बात खनन की, आज NGT के दखल से जिला ऊना में आपका खनन बंद हो गया, और बंद होने से जो आपकी पीड़ा है वो नौजवानों को साथ लेकर लालगढ़ चौक पर उजागर कर रहे हो। आपकी क्या भाषा है? आप प्रोफेसर रहे हैं, आप एक आम आदमी की तरह बोल रहे हैं वहाँ, अनाप शनाप। आप अपनी वाणी में थोड़ा कंट्रोल करें। और खनन में जो आपने स्वां पूरा लूटा है उसका जो नुकसान जिला ऊना के ट्रैक्टरों को हुआ है, जिला ऊना के लोगों को हुआ है जिन्होंने अपने भवन बनाने हैं, जिला ऊना की पंचायतों को हुआ है जिन्होंने अपने विकास कार्य करवाने पंचायतों में, आज जो जिला ऊना के ट्रैक्टर हैं और मालिक हैं वो घर बैठ के आपकी बदौलत, आपकी लूट की बदौलत। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।